व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी ना रास्ते में ज्यादा व्लॉग नहीं करूंगा, ज्यादा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट पहुंच जाते हैं मूवी के लिए। मैं ज्यादा रास्ते में व्लॉग नहीं, बिल्कुल भी व्लॉग नहीं करूंगा, ये रिटेक करना पड़ा वैसे, क्योंकि देखो 9:03 हो चुके हैं और बहुत लंबा रास्ता, क्योंकि हमारा अल्फा वन में मतलब सिनेपालिस में मतलब अहमदाबाद मॉल में मेरा है मूवी का टिकट मिशन इम्पॉसिबल का, और 9 बजे का शो है भाई। सबसे यूनिक पार्किंग अगर देख रहे हो तो हमारी सोसाइटी में क्या खतरनाक तरीके से पार्क करते हैं ना, कसम से गाड़ी निकालना ऐसा मुश्किल हो जाता है उसमें, 5-10 मिनट तो उसी में निकल जाती है। और प्लस अगर दिख रहा होगा ना इंसान को कि भाई हमारी गाड़ी की वजह से नहीं निकल पा रहे, आएगा कोई नहीं, निकल जाएगी ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस उनको ही रहने। चलो गड्डी तो पार्क कर दी है, अभी फटाफट जाना पड़ेगा। अंग्रेज टाइम क्या हो रहा है देख दो, 9:15 हो गए पक्का, आज मिस, आज 1000 टका हमारे पिक्चर मिस होने वाली है। ऊपर से हम लोगों को ऐसे डायरेक्टली थोड़ी जाएंगे, हम तो पानी नाश्ता कुछ लेंगे, टाइम कैसे निकले, 3 घंटे की पिक्चर है भाई। और आज मुड़ के लिए उठना पड़ा, बाकी कसम से आंख नहीं खुल रही थी, साढ़े तीन बजे सोया था और उठना पड़ा बहुत ज्यादा जल्दी। अभी तो मुझे घर पे जाके एडिटिंग भी करने की है। और एक और प्रॉब्लम क्या है पता है, अभी तक इंटरवल नहीं होगा तब तक कुछ सही से खाने का मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग का शो है। तो पानी की बॉटल लिया और क्या लिया, पॉपकॉर्न मर गया, मेरे को तो वैसे ही पेट पे जलन हो रही है। मूवी चालू हो गई, इंटरवल में मिलता है। ओके गाइस, इंटरवल हुआ है और भाई क्या गजब मूवी है, मुझे पता था कि इंटरवल इतना जल्दी क्यों। एग्जैक्टली, और 3 घंटे की मूवी है फिर भी, और गारंटी बोलता हूँ आपको 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं मन करेगा मैं यहाँ जाके आऊँगा वॉशरूम जाकर कुछ लेके आऊँ, ध्यान हटेगा ही नहीं वहाँ से, मतलब इतना कैची मूवी है, भयंकर वाला। मैं तो टॉम क्रूज से आंखें नहीं हट रही थी, क्या स्मार्ट लग रहा था यार, इतना है। दूसरे लड़कों की तारीफ करते हैं, एक्चुअली उसके साथ जो बंदी है ना वो भी बहुत सच्ची थी एक्चुअल में। एनीवेज, हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक आलू टिक्की रैप और एक कोक लिए, होपफुली मेरे पेट की गड़बड़ थोड़ी ठीक हो जाए यार, मैंने को याद फिर और बिगड़ जाएगी तो मुझे पता नहीं क्या होगा। तो मूवी ख़त्म हो चुकी है और मैं ब्लॉक करना भूल गया था। मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा होता है भाई, बहुत 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 औसम मूवी है, और हमको है ना एक सब्सक्राइबर भी मिली थी मूवी के बाद तो बहुत क्यूट थी, उसका नाम मुझे पसंद है कुमकुम, अंकिता ने तो काफ़ी सारी देर बात की उसके साथ। और या उसके बाद हम लोग गए एक क्या बोलते हैं वी बाय में गए, जहाँ पे अंकिता का केबल बिगड़ गया इसलिए एक सेकेंड हैंड में केबल लिया, 900 रुपये का पड़ा नहीं, ये 100 का वाउचर था और 800 में पड़ा, हाँ तो वाउचर था मेरे पास तो वो भी कम लग गया। एंड या अभी हम यहाँ से मॉल से निकल रहे हैं, उस तरफ पता नहीं एक्सीलेटर बंद है तो पूरा बहुत घूम के जाना पड़ता है और हमको तो इधर से भी वापस इस साइड जाना पड़ेगा। अबे हाँ यार, बेसमेंट में जाना है, कोई नहीं, अभी यहाँ से अंकिता को कुछ काम है तो वहाँ जाना है, उसके बाद फटाफट घर जाना है क्योंकि घर पे कुछ लोग काम करने के लिए आए हुए हैं और मम्मी कुछ काम से गई है, काफ़ी सारा काम है, मम्मी 3-4 जगह पे जाने वाली है, तो मम्मी ने बोला आज घर का तुम संभाल लेना, और हम सोचा हमको खुद को बाहर बहुत सारा काम है पर हम मैनेज कर लेंगे सब कुछ, हमने बोल दिया। तो हम लोग कहाँ गए थे अभी, एज यूजुअल भाई, पहली बार इसने मैंने नोटिस किया कि सबसे सस्ती चीज़ मैंने देखा हुआ आज तक कि नायका में जिसने लिए तो वो आज है 293 रुपीज़ की, कैसे हुआ ये, मैं चाहता हूँ ऐसे चीज तो लेता रहे बस ऐसे ही ले, पर ऐसा नहीं होता, ये तो मुझे कॉन्टैक्ट लेंस और आईलैशेस लेने थे, वो भी दो चीज आई भाई, इसकी दो चीज आई 300 रुपये में, 293 वो भी पहली बार महंगी नहीं है तो बोला टाइम याद नहीं कर। अंकिता का सही है, तो क्या बोल रही थी, मेरा गला खराब है पर मेरे को आइसक्रीम खाना जरूर है तो मैकडॉनल्ड्स में आइसक्रीम खाने के लिए। पता है अंकिता ने मेरे को बोला कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो वहाँ जाना है मुझे अर्जेंट में, अभी लेके कहाँ पाई है एसेसरीज की दुकान में जहाँ पे ये पता नहीं क्लचर बक्कल ये सब लेंगे, और ये अर्जेंट था इसका, कुछ नहीं अर्जेंट कैसे हुआ, अर्जेंट है मुझे पता है, नौटंकी। अभी हम लोग वहाँ से वापस आए नहीं कि ये सीधा H&M के अंदर घुस गई, अरे यार कहाँ कहाँ जा रही है, इसको ढूंढना पड़ता है तो भाई H&M से बाहर निकले भाई कहाँ कहाँ गायब हो जाती है बार बार बिना बताए, ढूंढना पड़ता है लिटरली हमेशा, और जो भी हो आज पता नहीं अंकिता को क्या हो गया है, आज हर जगह से ना सस्ती शॉपिंग हो रही है इसकी, अच्छी जगह जाके सस्ती शॉपिंग कर दी, पहले 293 हुआ, सेकंड में कितना हुआ 40 रुपीज, थर्ड में अभी गए तो सिर्फ 900 रुपये हुआ, सही है क्या बोल रही, तेको नहीं पता ना, तेको नहीं पता ना, बैठना मत, टच मत कर, बैठना नहीं तेको नहीं, तो फिर फालतू होशियारी क्यों करती है, नौटंकी। तो हम लोग गए घर पे खाना खाने के लिए, उसके बाद भी मेरे को बहुत काम है, एक वीडियो भी एडिट करना है, मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ। और इस बार तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है कि अंकिता और मेरा साथ में लंच हो रहा है यार, 2 दिन से, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। टू लेट
इसीलिए तो चलो फाइनली खाना वाना हो गया डन अभी और एडिटिंग करने का और अभी क्या अभी अपलोड करने का मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट है कैसे पूरा चेक करके करूंगा पता नहीं। पर अच्छी चीज ये है कि मैंने ऑलरेडी सिंगल कट मार दिया था अभी बस रीचेक करना है और थोड़ा बहुत टचिंग वगैरह करने का वीडियो को बस। तो फिलहाल मैं ये वाला प्रैंक एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे सोसाइटी वालों ने मशीन बुलवाई है पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे सारी गटर साफ हो रही है और मेरी एक गाड़ी यहाँ पे पड़ी है और एक गाड़ी वहाँ पे रखी हुई है ताकि इनका काम खत्म हो जाए। तो आज ये वाली गाड़ी लेके जा रहे क्योंकि मुझे है ना अंदर से इसको वॉश कराना पड़ेगा भाई बहुत ही गंदी हालत में ये गाड़ी कितना का चालू हो रही है। चल हो जा हो गई। पुरानी गाड़ी लेके निकले इतने सारे काम लेके निकले पहले तो इसके टायर बिल्कुल हवा नहीं था 10 प्रेशर था काफी दिन से बंद पड़ी इसलिए तो उसमें हवा डलवाई। अभी जाके इसकी प्रॉपर अंदर से क्लीनिंग करवानी पड़ेगी उसमें थोड़ा टाइम जाएगा और फिर वाइपर एक टूट गया पता नहीं कहीं से शायद बंदर वंदर से पता नहीं किससे नहीं वो क्या होता है पता है। तो ये गाड़ी धोने वाला बंदा होता है वो गाड़ी धो देता है रोज धुलती तो है भले बाहर होती है तो वाइपर खुले रखते है ना फिर बंद नहीं करते तो बंदर वंदर आके उसपे कूदे होंगे तो उसमें टूट गया होगा। आज मेरे को भी पता चला बताते बता रहे। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद ये वाली गाड़ी आई हमारी आई है कार्स फार्म में। कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया आपने जो गाड़ी बना के दी है तगड़ी वाली एकदम टूपर डूपर फेमस हो गई मालूम है वो गाड़ी। अरे आपके आज स्किन विन बहुत चमक रही है। हाँ है ना। वॉशिंग तो शायद बाद में होगी मैंने बोला अभी बाहर का इम्पोर्टेंट नहीं अंदर से गाड़ी मत साफ कर दो बाहर तो चल जाएगा एक बार क्योंकि वेदर की वजह से वैसे भी कहीं पे भी घूमेंगे बाहर से गाड़ी तो फिर गंदी होने वाली है पर अंदर से इतने सारे बाल हो गए उल्टी के बाप रे। मैं बात कर रहा हूँ जवाब नहीं दे रही मैंने बोला क्या हो गया बोले यार बाल चला जा रहा है नाक पर मुँह में। गाड़ी को होने में तो कम से कम उनको 30-40 मिनट जाएगा तो अंकिता ने बोला वहाँ बैठ के क्या करेंगे फाल्गुनी में कुछ काम है वहाँ जाके पहले चीज़ें परचेज कर लेते बहुत पास है तो हमने ऑटो कर लिया। तो हम यहाँ पर आए फाल्गुनी में वो क्यों आपको बाद में पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। हेलो भैया जी हो गया हमारा पैकिंग हो गया दे दो ये हमने वैक्यूम करवाया क्योंकि हमको ऑक्सीजन ट्रैवल के लिए ले जाना है। थैंक यू। तेरा दिमाग खराब है पता तेरे को मैं कब से यहाँ पे क्रेडिट ला के रखी हुई हूँ भैया बिलिंग किए जा रहे हैं और तू एक 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 करके चीजें ऐड करे ऐसा तो पूरा दिन खत्म नहीं होगा ये और एक एक चीजें मतलब मैंने पहले बोला था इकट्ठा करके फिर डाल। अरे ये अरे भैया हर दुकान में ऐसा करती है मेरे को खड़ा कर देती है मेरे को कभी भी लगता है मेरे को लाती है इसलिए लाइन में खड़ा रखने के लिए मैं आऊंगा ही नहीं गाड़ी में बैठूंगा वो अच्छा है भाई मैंने थैली उठाई क्या भारी वजन है मैं अरे सुनना अरे सेटअप ये ना ये सिर्फ शो ऑफ है और कुछ नहीं। अब पता है मैं बाहर निकल के गाड़ी ढूंढ रहा था फिर याद है हम तो रिक्शा में मैं जा रहा हूँ मेरे को तो ऐसा आना ही नहीं है भाई ये देखो क्या कर रही है अभी निकले वहां से मुंह पे पूरा दांत वांत में चॉकलेट लग गया है ब्राउनी वाउनी खा रही है अभी वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हो होपफुली अब तक वॉश हो गई हो तो गाड़ी शायद अभी भी थोड़ी बहुत साफ हो रही है ऐसा लग रहा है। तो फाइनली गाड़ी डन हो चुकी है अभी इसका वाइपर डलवाने जाना पड़ेगा। मैंने बोला था उसी तरफ जाना है पर तू रिक्शा में ले गई यहाँ पे देखो मेट्रो गई लास्ट डे पे नहीं तूने बोला था मैंने ये किया काम तूने बोला एयरपोर्ट पे ले जानी है नाक में और आंख में और मुंह में बाल घुसते तो साफ करवा ले इसीलिए मैंने करवाया। चल जाना यार व्हाटएवर पहले भी यहीं से डलवाया था वापस से यहीं पे आया हूँ वाइपर डलवाने के लिए 2-4 मिनट का काम है पर भाई अगर बारिश वारिश हो जाती कल हम एयरपोर्ट जाते तब तो ये देखो। अरे मैंने बताया नहीं ना आपको वैसे कल हम जा रहे हैं एयरपोर्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम जाने वाले हैं दिल्ली क्यों जा रहे हैं 4 दिन के लिए जा रहे हैं कुछ स्पेशल है तो वो तो आपको बाद में ब्लॉग से पता चलेगा। तो मैंने ना एक की जगह दोनों ही वाइपर चेंज करवा दिया है मैं वाला झंझट नीचे है क्योंकि पता नहीं चला वो कैसा चलेगी कैसा चले दोनों अलग अलग चलेंगे फिर वरना बस डन 2 मिनट का काम था 470 रुपीज लिए थे लास्ट टाइम कम लिए थे। चलो वाइपर का थोड़ा ट्रायल मारे अरे मस्त चकाचक चलो वाली गाड़ी तो वापिस पार्क करके रख दी कल ले जाएंगे इसका फिलहाल वाली गाड़ी ले जाते हैं। 4:25 हो चुकी है और हमको जाना है डरमेट जो बहुत ज्यादा दूर है और 4:30 की अपॉइंटमेंट ले रखी है और इस पर हमको स्पेशली 2 बार फोन आ चुका था कि आज रश ज्यादा है तो आप टाइम पे आ जाना कौन सा टाइम आप बोलो उस टाइम की अपॉइंटमेंट लेके हमने 4:30 लिखवाई थी फिर भी लेट होने वाले भाई पार्किंग मिल जा घुसर दो इन दोनों के बीच में। चलो मिल गए पार्किंग हम पहुंच चुके हैं डरमेट अब तो आप सबको पता ही है हम अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट लेट है। यू शेड अप अंकिता मिश्रा आप लेट आ जाते हो ना हमेशा।
बोले ये थिएटर में हम इसीलिए आते हैं मूवी देखने के लिए क्योंकि आप आते हो कभी ना कभी मिलोगे। ओए पुश पुल में समझ में नहीं आता क्या है? मेरे को लगा तेरा चालू हो गया इसलिए मैं आया। हेलो बाय बाय, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चलो मेरा कुछ सिग्नेचर फेशियल जैसा कुछ होने वाला है और पील होने वाला है, तो देखते कैसा रहता है और आपको दो चार क्लिप्स दिखा दूंगा क्योंकि मेरी तो आंखें बंद होगी और अंकिता का भी एक साथ चल रहा है तो हम लोगों का साथ में चल रहा होगा तो ऑब्वियसली वीडियो करने वाला कोई नहीं है। लाइट वाली ट्रीटमेंट ही है, फायर एंड आइस, या फायर एंड आइस ट्रीटमेंट खत्म हुई, फेशियल हुआ एंड लाइक जो मसाज हो रहा था मैं सच में सो गई थी, मैं खराठे बोल रही थी। एंड अभी एक सीरम लगाई है जो 15 मिनट रहने देनी है एंड देन फिर वो क्लीन करेगा। तो फाइनली खत्म हो चुकी ट्रीटमेंट, मैं सच बोल ये तो एकदम फुल ऑन सो गई, फुल ऑन मैं 10 मिनट के लिए सोई थी शायद। झूठी ने मेरा रिकॉर्ड तो हुआ, हमने बूथ कर रहा है मेरा, मैं क्या मालूम। एनीवेज और मैं बस आंख बंद करके रखा था क्योंकि मेरे ना थोड़ा सा आंख में जला गया, पर भाई अमेजिंग मजा आ गई। थैंक यू भैया, वहाँ से निकल चुके, सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो हम लोग है ना मोई में जा रहे हैं। ये रहा, पर थोड़ी सी वहाँ से कुछ प्रोडक्ट लिए अंकिता ने, कुछ हाँ फाइनली अंकिता ने डॉक्टर से पूछ के शैम्पू लिया, इतने ट्राई किया करके इकट्ठे किया ना कसम से, ऐसे रेस्ट कर रही है फालतू के। तो ये देखो रिफ्लेक्शन में अंकिता दिख रही है और हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं लाइम एंड ब्लूबेरी वाला केक। उसके अलावा मेरा रेगुलर ऑर्डर तो है ही है वाला पिस्ताचे वाला एंड उसके अलावा कॉफ़ी मंगाई है। ऑर्डर तो आ चुका है पर खा नहीं सकता, पता है क्यों? ये देखो कब खाऊं? गो मतलब क्या कुत्ता हूँ मैं? तो फिर तेरे को थोड़ा बहुत खाया पर मजा आ गई। वो तो वो वाले हटा रहे हैं वो भैया, तो हमारी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी लगी हुई है, वहाँ से निकालनी पड़ेगी और वो बाजू वाली गाड़ी हटा रहे, कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने ये गाड़ी हटाने वाला, वो भैया ने दूसरी हटा भी दी उसके पीछे वाली, भैया तो चले गए लेकिन। ओ यार भाई आधे घंटे हो गया ये गाड़ी कौन रख के चला गया किसी को पता नहीं है, वॉचमैन भैया को भी नहीं मालूम, वो बिना पता चला गया रख के। और ये भैया है ना पूरा बिल्डिंग ढूंढ के आ गया, वो है ही नहीं यहाँ पे, दिमाग खराब हो गया मेरे सामने आ गया ना दिमाग खराब, कहाँ से गुस्सा आ रहा है मुझे इसको, एक तो पीछे रख के चला गया एकदम और वो भी एकदम चिपका के रख के चला गया कि आगे पीछे करके भी कैसे निकालूं मैं। अभी फाइनली हम लोगों ने ना रिक्वेस्ट किया इनसे कि ये गाड़ी हटाए तो मैं थोड़ा पूरी घुमा के निकाल लूँ, इनकी तो गलती भी नहीं है पर फिर भी उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कसम से ये गाड़ी वाला अगर आ जाता ना अभी इसकी बैंड बजा देता, इतनी दिमाग खराब हुआ ना मेरा कसम से। गाइस फाइनली मेरी गाड़ी निकली और हम लोगों का जितना गुस्सा था ना बहुत ज्यादा गुस्सा था, इतना सारा बोलना था इतना सारा झगड़ना था, तो सबसे पहले तो क्या हुआ लेडीज लोग आई, तो फिर भी अंकिता तो थोड़ा सा गुस्से में थी पर अंकिता ने रिएक्ट किया, उससे पहले वो लड़कियों ने आके बोला कि हम आपके वीडियो देखते हैं सब्सक्राइबर हैं, तो फिर क्या बोले उसके बाद तो छोड़ो, उसके बाद और ज्यादा 10-15 मिनट लगी पर हम लोग फिर भी खड़े रहे गाड़ी के अंदर और कुछ बोल भी नहीं पाए, तो इसका मतलब ये नहीं गुस्सा नहीं है ना, गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो आज हमको सबसे ज्यादा जल्दी जाना था घर पे सारा काम खत्म करके और हम लोग ऐसी जगह, आज मतलब ऐसा टाइम था ना जब 5-5, 10-10 मिनट भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, चले जो हुआ वो हम निकल गए वहाँ से। तो गाइस हमको अभी ये भी मिले और भाई इतने अमेजिंग है, इस तरह का रिएक्शन था जिसको देख के हम लोग इतने खुश हो गए, मैं लिटरली आपको देखे ना भयंकर वाला पीछे करोगे, थोड़ा सा इधर से शूट करता हूं अब सही आ रहा है देखो, ठीक है इनके जो रिएक्शन है ना मुझे ऐसा लगा ये अभी रो ना दे, बहुत बड़ा फैन हूं मैं, ह्यूज फैन ऑफ गाइस, थैंक यू सो मच। मैं काफी देर से बात कर रहा था इनसे और सीरियसली जेन्युइनली बहुत मजा आई, इन्होंने अपनी थोड़ी स्टोरीज भी कही जो मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पे, शेयर नहीं करूंगा प्राइवेट है, बट अमेजिंग पर्सन। वही बस मेरी वजह से बस का जैम वगैरह को